नमस्कार दोस्तों, बीकर टेक्निकल टू चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सिंगल फेज 2 HP इंडक्शन मोटर के बारे में, जो कि इसमें हम कंडेंसर के कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, हमारे स्टार्टिंग का कंडेंसर है 120-150 का, ये हमारा रनिंग का कंडेंसर है 20 mAh का। दोस्तों, करना क्या होगा आपको, एक स्टार्टिंग का कॉइल लेना है, एक रनिंग का कॉइल। जो हमारे रनिंग का कॉइल का वायर है, जो स्टार्टिंग का है, तो आप उसको एक को जोड़ देंगे, जो हमारा बना दिया कॉमन वायर। जी बच्चा, हमारा स्टार्टिंग का कॉइल का वायर और ये क्लिच का वायर का हम इसमें आपस में हम जोड़ देंगे। अब आ रही है स्टार्टिंग कंडेंसर की। तो दोस्तों, करना क्या है, इसमें आपको एक वायर लेना है, इसमें रनिंग वाले में जोड़ देना है। और जो हमारा क्लिच का वायर बचा हुआ है इसमें जोड़ देना है। अब बाकी बच्चे, हमारा रनिंग का कंडेंसर जो हमारा रनिंग का वायर है स्टार्टिंग, इसमें हम जोड़ देंगे। बाकी दूसरा बचा हुआ तार, इसमें इस क्लिच और स्टार्टिंग वाला कॉइल का तार है जी, तो इसमें हम जोड़ देंगे। अब हम मेन सप्लाई देंगे, ये रनिंग का वायर है जी, इसमें स्टार्टिंग और रनिंग का कंडेंसर का तार का। और ये हमारा कॉमन वायर बचा हुआ है, इसमें हम कंडेंस वो लाइट देंगे, इन दोनों में मेन लाइन की सप्लाई देंगे। अगर इस दिशा में अगर मोटर आपको चेंज करना है डायरेक्शन, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको एक रनिंग का वायर इसमें से, ये वाला वायर इसमें से आगे पीछे करके लगा देना है। ये हमारा रनिंग का और स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, और ये वाला इसमें स्टार्टिंग और रनिंग का कंडेंसर लग रहे हैं, तो इसमें हम टच करेंगे। ये हमारे रनिंग स्टार्टिंग कंडेंसर लगे, इसमें इस वाले पॉइंट में हम लाइट देंगे, इस तरह आपको चला देना है। तो ये हमारी मोटर इस दिशा में घूम रही है, इस दिशा में आपको दिख रही होगी। तो इसको क्या करना है, इसको डायरेक्शन हम चेंज करना है, तो हम इसको तार निकाल के इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब इस आपकी मोटर इस दिशा में घूम रही थी, अभी अब इसको हम इस दिशा में घुमाएंगे। करना क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको एक वायर निकाल लेना है, जो वाला स्टार्टिंग का रनिंग का वायर है, और जो वाले हम आपस में इस तार को छोड़ के इसमें से निकाल लेंगे हम। तो जो तार हमने निकाला था, जो हम इस वाले पे लगा देंगे, और जो दूसरा तार है जो हमारा, वो हम इसमें दिशा में जोड़ देंगे कॉमन वायर वाले में, इस तरह। अब हम मेन सप्लाई देंगे इन दोनों को छोड़ देंगे हम, इस पर हम टेप मार देंगे। अभी हम आपको बताने के लिए इस तरह बता रहा हूँ। अब आपकी मोटर इस दिशा में घूम रही थी, इस दिशा में, अब इस दिशा में घूमेगी। तो दोस्तों, करना इसमें हम सप्लाई देंगे, इसमें इस वाले में सप्लाई देनी है और इस वाले में सप्लाई देनी है। तो आपका डायरेक्शन इस दिशा में घूम रहा है, पहले इस दिशा में घूम रहा था, अब इस दिशा में घूम रहा है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दे दबा दें।